दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 28 मार्च 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, मैं अपने मकान के पिछले पोर्शन में आराम से बैठा हूँ, पेड़ के नीचे। कितना सुहाना वातावरण है। यह दुनिया बड़ी अजीब है, और उससे भी अजीब है इस दुनिया को बनाने वाला। और जब से मेरी उससे जान पहचान हुई है, परमात्मा से, थोड़ी ज़्यादा ही मुश्किल आ गई है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा हूँ जैसे कि आनंद के सागर में डूबा हुआ। मुश्किल भी है और आनंद के सागर में भी डूबा हुआ। शायद वो आनंद के सागर इसलिए है कि मैं मुश्किल में हूँ, और उन मुश्किल से ही आनंद का सागर निकलता है। अब आज की बात सुनिए, भगवान भी अजीब बात करता है। मैंने कि भाई मेरे को चक्कर में मत ले, क्या कहता है वो कि मंगल देख, ये दो बटे चार आदमी जरूर मरेंगे जल्दी, मुझसे कह रहा है। और वह कह रहा है कि देख मंगल, ये जो बिल गेट है ना, इसका हवाई जहाज कभी भी टूट करके नीचे गिर सकता है। मैं उससे कह रहा हूँ भाई, तो मैं क्या करूँ, ये तो इतने ख़तरनाक लोग हैं कि इनके बारे में बात करना भी बेकार है। जैसे इसकी किस्मत होगी, जैसा फल भुगतेंगे। अभी कई दिनों से मेरा ध्यान प्रार्थना ही प्रार्थना में लगा हुआ है। मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ। असल में आदमी जब समस्या में होता है तो वह प्रार्थना करता है, अपने लिए, मेरे मिशन के लिए भी। मैं उसके अलावा भी मैं एक लड़की के बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ। 2 महीने बाद उस लड़की की शादी होने वाली है, लेकिन अभी वो असमंजस में है कि उससे शादी करूं कि नहीं करूं, उससे शादी होगी कि नहीं होगी, वह मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा। वो कहती है कि सर कुछ जल्दी करो। अब मैं क्या करूं भाई, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। फाइनल करने वाला तो वही है, यद्यपि प्रार्थना एक अद्भुत शक्ति है, और वह भगवान को भी पकड़ कर सामने ला सकती है, उससे काम करा सकती है, या भगवान खुद आकर एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि भाई इसका काम होगा कि नहीं होगा, या फिर ऐसे ऐसे होगा, ये काम ख़राब है, ये काम इसके लिए नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें वह बताता है। प्रार्थना उसको पकड़ कर ला सकती है। अब जब से उस लड़की ने मेरे दिमाग में ये अंकुर डाला इस बात का, तब से मुझे भी चैन नहीं। वो कहते हैं कि सर ये काम नहीं हुआ तो मैं और मेरी मम्मी दोनों जहर की गोली खाकर मर जाएंगे। मैंने कि भाई ऐसा गलत काम तो तुम मत करो, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। लेकिन मैं हूँ कौन, पानी का सा बुलबुला, इसलिए मैं भगवान के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि भाई भगवान उस लड़की को तो कोई ना कोई सहारा दे। ऐसा मत करे, किसी के साथ भी ऐसा मत करे। इसलिए मैं आजकल प्रार्थना में बहुत लगा हुआ हूँ। और वह क्या कह रहा है कि देख मंगल, मैं क्या करूँ, अपन लोग क्या करें, लोग सुधरना ही नहीं चाहते। अब देखो ये दो भाई का नाम ले रहा है भगवान, साफ दिख रहा है
कि इन भाइयों की बहुत पिटाई होगी, फिर बहुत लुटाई होगी, और फिर इन दोनों भाइयों की बहन बेटियों को उठा कर ले जाएंगे बहुत लोग, और उसके बाद ज़्यादा छीन चपट करी तो ये मारे भी जाएंगे। अब भाई इसमें मैं क्या करूँ, अपने अपने कर्म हैं। और वो कहता है कि ये बोल, मैंने कि भाई मुझे इन झंझटों मत डाला कर, जो जिसका जैसा कर्म है वह फल पाएगा। लेकिन मेरा मन फिर भी ऐसा करता है इन सभी लोगों को बचा लूँ और इनकी आंखें खुल जाएं, लेकिन वह परमात्मा खुलने दे जब ना, वह चाहे तो सभी की खुल जाएं, उसकी लीला ही ऐसी है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।